ओ भाई साहब, ओए बात कर रहा था मैं, बोल रहा था ना एक फीमेल ने लेटर भी दे रखा है, ये है वो सारे बच्चे छोटे छोटे, मेरी जान। क्या कर रही है लाली? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई आज है सैटरडे, और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं वीकेंड में मतलब सैटरडे संडे में एक व्लॉग डालने का ट्राई करूंगा, तो आज भी मैंने सुबह उठते ही भाई फ्लेक्सी को ले आया हूँ घुमाने के लिए, ये अपना चालू हो गया बॉल लेके। और भाई मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि इस साल में मतलब मैं वीकेंड्स पे स्ट्रे डॉग्स को फीड करूंगा, तो अभी सुबह सुबह अपना मैं रेडी होके उसी के लिए निकल चुका हूँ। चावल बनवा लिए मम्मी से, और मैं एक ड्रूल्स का कट्टा ले आया 20 kg वाला, तो थोड़े से चावल प्लस उसमें ड्रूल्स मिक्स करके अपना देखते हैं खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि जब मैं वॉक पे जाता हूँ तब मैं वहाँ पे देखता हूँ कि बहुत से डॉग्स पीछे पीछे आने लगते हैं इस उम्मीद से कि भाई ये मुझे खाना खिलाएगा। तो मैंने उसी टाइम सोचा यार कि मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं अभी, जैसे बहुत फीमेल्स हैं उन्होंने लीटर दिए हुए हैं, तो रोड पे ठंड में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे देखते हैं, तो जितना मेरे से होगा, क्योंकि बाकी तो जैसे वीकडेज में ऑफिस रहता है टाइम नहीं रहता, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि सैटरडे संडे तो मैं इवन जाके उनको फीड कर सकता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो अभी हम चलेंगे स्ट्रे डॉग्स को फीड करने, उससे पहले थोड़ी देर फ्लेक्सी की एक्सरसाइज करवा लेते हैं। कम ऑन जंप जंप, ये जंप गो। भाई आज तो 9 बजे भी 9:15 बज गया, कितना कोहरा हो रहा है, ठंड चल रही है तगड़ी, अब हो रहा है थोड़ा बहुत ठंड का एहसास, वरना इससे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि सर्दियां आ रही हैं, है ना भाई। गो, वेरी गुड, गो, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे जैकेट की कोई जरूरत भी नहीं है, थोड़ी देर में ही इसका बॉडी वार्म हो जाएगी। चल जा, गुड गर्ल, गो, ये गो। ओ वाओ, व्हाट अ कैच, ओ कैसे राजी हो रही है, एक ये तो अभी दूसरे और दो तीन इंडिया के पिल्ला, तीन चार भाई हमारे पास, ये पैकेज्ड फूड भी है, ये भी होल फूड है, हमारे स्पॉन्सर्स है ना उन्होंने भेजे थे तो। और ये मैं ले आया पेडिग्री और ड्रूल्स का मिक्सचर गरम गरम, देखियो खाएगी ना खाएगी, डाल के देख पहले थोड़ी सी, खाएगी तो ना खाएगी। ओ भाई साहब, ओए अबे ज्यादा से डालना पड़ेगा इनको, तन दोनों का अलग अलग रखियो। पैकेट वाले फूड हैं 6 फूड हमारे पास, ये भी हैं, ये चिकन एंड राइस है, और 3 पैकेट में फिश एंड राइस से, देखते हैं कुत्ते खाते हैं या नहीं। इतना ही रख के देख ले पहले, ले खा रहा है ना, पर ये देख कुत्ता समझदार है, लड़ना रहे आपस में देख। दे लाल लाल वाली बहुत तू है, खा के 2 कटोरा खाओ। बात कर रहा था मैं, बोल रहा था ना एक फीमेल ने लीटर भी दे रखा है, ये है वो सारे बच्चे छोटे छोटे, मेरी जान। ये 4-5 है, ये इनकी मदर और ये एक और फीमेल। ओहो खाओ, को खिला दिया इनके तो पेट और फूल गए मोटे मोटे, ये देखो। ये यहाँ सही है, इनके लिए रुई सी पड़ी है, इस पे बैठे रहते हैं, कोई गद्दा वद्दा डाल गया शायद। हाँ भाई, भाई इसकी आंखें देखो, ये पिटबुल जैसा लग रहा है, ये देखो ये कैसे उछल रहे हैं। तो भाई आ चुके हैं सारे डॉग्स को खाना खिला के, आज पहला दिन था ना तो थोड़ा सा कम पड़ गया, अंदाज़ा नहीं था, कल थोड़ा ज़्यादा लेके जाएंगे, और सैटरडे संडे दोनों दिन खिलाया करेंगे, महीने में 8 दिन। और पक्षियों के लिए भी मैंने ये दाना रख दिया, ये पानी रख दिया, गिलहरियाँ आती हैं यहाँ पर खाने। तो भाई ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो।